और आज जाएंगे बम्बई घूमने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और भाई लोग हमारे गांव के मिल गए हैं, यहीं पर रहते हैं, काम हम करते हैं ना भाई लोग। हाँ तो दोस्तों अभी रात के 2 बज गए हैं और ये देखिए, और अभी दोस्तों हम लोग मुंबई में पहुंच चुके हैं और ये देखिए बाहर से नजारा कितना डेंजर दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। दोस्तों जय श्री राम सभी भाई और बहनों को। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और इधर देखिए शाम का नजारा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है और बहुत ही तेज धूप निकला हुआ है दोस्तों। और हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम अभी आए हैं मुंबई में और मुंबई से लगभग हम 300 किलोमीटर दूर मतलब सोलापुर के साइड के ओर हैं दोस्तों। और आज जाएंगे मुंबई घूमने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये देखिए, ये रहे हमारे आकाश भाई। और भाई बढ़िया। और अभी हमारे आकाश भाई सोए थे रूम पे और हम गए थे थोड़ा बहुत घूमने के लिए, तो चलिए अभी हमको नहाना धोना है तो नहा धो के जाएंगे। और आप नहीं जाओगे ना? मतलब हमारे रूम में जितने लोग रहेंगे सब लोग जाएंगे, केवल हमारे आकाश भाई नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? नहीं मन कर रहा है? तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले हम नहा धो लेते हैं, क्योंकि लगभग 8 से 9 बजे के बीच में निकलना हम लोगों को यहाँ से। और अभी दोस्तों रात के 9 बज गए हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पर? मुंबई में। मतलब आज हम लोग जाएंगे मुंबई में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने के लिए, जा रहे हैं ना। मतलब जितने भी लोग हमारे रूम में रहते हैं रूम के बगल में रहते हैं, आज सब कोई जाएंगे घूमने के लिए मुंबई। हम रात 10 बजे निकलेंगे। हाँ अभी तो 9 बज रहा है ना? अभी 9 भी नहीं बजा, बजने वाला है ना। लेकिन और हमारे बहुत ज्यादा मतलब क्या इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ मतलब बम्बई जब जाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ना। और हमारे अरुण भाई को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ड्रेस लिया है, सब कुछ मतलब एकदम फील हो रहा है, एकदम न्यू। मतलब सब कोई नहा धो के तैयार हो गए हैं और हमारे भैया भी तैयार हो गए, अरुण भाई भी तैयार हो गए हैं और हम भी अभी थोड़ा बहुत तैयार हो गए हैं। खाना खा के सिर्फ निकलना है। हाँ अब खाना खा के निकलना है डायरेक्ट मुंबई के लिए। सो दोस्तों हम लोग अभी निकलने वाले हैं मुंबई के लिए और ये देखिए हमारे भैया भी आ गए हैं ना भैया। हम भी चलने वाले हैं मुंबई, जाएंगे। क्या काम से जाएंगे आपको पता है? अभी सेट बताएंगे क्या काम है। सेट बताएंगे आपको पता है? नहीं हमको भी नहीं पता भैया, अभी सेट से मिलेंगे बात करेंगे। हाँ सेट से मिलकर बात करेंगे और इधर निकलते हैं मुंबई के लिए। और ये देखिए यहाँ पर एक कार खड़ा है और यहाँ पर एक और इसके पीछे एक है ना। तो चलिए अभी सीधा हम लोग निकलते हैं। ठीक है। सो दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी डायरेक्ट निकलने वाले हैं मुंबई के लिए ना अरुण भाई। हाँ भाई। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहली बार जा रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग सीधा निकलते हैं और हाँ अभी रात के 11 बज गए हैं, तो चलिए निकलते हैं अब। और अभी दोस्तों गाड़ी में तेल खत्म हो गया था ना, तो सभी गाड़ी तेल भरवाने के लिए रुक गई है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है पेट्रोल पंप और ये देखिए सब कोई लाइन में लगे हैं गाड़ियाँ पेट्रोल भरवाने के लिए। तो चलिए जब भरवा लेते हैं उसके समय बैठेंगे हम लोग। हाँ तो दोस्तों अभी रात के 2 बज गए हैं और ये देखिए भैया होते इस गाड़ी में बैठे हैं ना भैया। हाँ हम लोग पुणे पहुंच गए हैं। पुणे से आगे हैं? नहीं अभी आगे नहीं है, आगे पुणे नहीं पहुंचे अभी। पुणे से आगे नहीं है, पुणे से पीछे हैं। और लगभग हम लोग सुबह में पहुंचेंगे, सुबह में लगभग हाँ 6 बजे पहुंच जाएंगे ना। हाँ तो चलिए दोस्तों मतलब फिर से गाड़ी में तेल खत्म हो गया था, ये देखिए अभी लाइन से सब गाड़ी में भरवा रहे हैं पेट्रोल को। तो चलिए अब सीधे निकलते हैं हम लोग भरवा के। हाँ गाड़िया लगाए ड्राइवर निकल गया गाड़ी में बैठे देता। और अभी दोस्तों सुबह हो चुका है और फाइनली हमको पता चल गया कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। मतलब इतना तो पता था कि हमें कहाँ जाना है, हमें तो पता था कि हमें मुंबई जाना है, लेकिन किस काम से जाना है ये हमें नहीं पता था दोस्तों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रैली में और यहाँ पर ना बहुत ही सारे गाड़ियाँ हैं, मतलब कार ही कार है ना, बहुत ही ज़्यादा कार है दोस्तों। ये देखिए वहाँ से लेके पूरे लाइन से वहाँ तक और पीछे बहुत ही ज़्यादा, सामने पेट्रोल पम्प है ना, तो सामने देखिए पेट्रोल पम्प है। और अभी हम सभी के बीच में आ गए हैं, मतलब सभी कारों के बीच में आ गए हैं, कार और स्कॉर्पियो है ना। और ये देखिए पूरा बहुत ही सारा है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों। और अभी सब लोग बैठने के लिए जा रहे हैं तो हम भी निकलते हैं अब मुंबई के लिए। और अभी दोस्तों सारी गाड़ियाँ निकलने वाली हैं तो सीधा चलते हैं हम लोग, अपने गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। और भाई लोग हमारे गांव के मिल गए हैं, यहीं पर रहते हैं, काम हम करते हैं ना भाई लोग। और हमारी गाड़ियाँ भी चालू हो गई, हमें जाना है मुंबई के लिए, तो चलिए हम भी चलते हैं ना।
और ब्लॉग व्लॉग हमारा देखा करो, आईडी बता दी देखा करो, यूट्यूब पे सर्च मार लो विजय देहाती ब्लॉग, चैनल का नाम सर्च मारोगे ना आ जाएगा। ठीक है तो चलिए हम चलते हैं ना। अभी दोस्तों हम लोग मुंबई में पहुंच चुके हैं और ये देखिए बाहर से नजारा कितना डेंजर दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आगे और पीछे देखिए कितना गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तो चलिए अभी हम लोग भी निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, खोलिए भाई और अंदर बैठ जाते हैं दोस्तों। हम लोग अभी अंदर एकदम अच्छे से बैठ गए हैं और बाहर का नजारा काफी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों हम लोग मुंबई में पहुंच चुके हैं और हाँ अब जाने वाले हैं अपने रूम के लिए दोस्तों। मतलब जितना भी हमें घूमना था सब जगह पर हमने घूम लिए हैं, सब जगह पर हम लोग घूम लिए हैं और अब जाने वाले हैं रूम पे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा गाड़ी खड़ा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ का लाइन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो चलिए अभी हम सीधा चलते हैं अपने रूम के लिए। अभी दोस्तों सुबह हो चुका है और सुबह के 10 बज रहे हैं और हाँ हम रात को 2 बजे चले आए थे दोस्तों, अपने रूम पे पहुंच गए थे तो पूरे रात भर सोए नहीं थे तो 2 बजे से सोए, उसके बाद डायरेक्ट 9 बजे उठे हैं तो भी नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आप सबसे किसी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।